एक आलू करेगी सारी समस्या का समाधान और एक आलू से बन जाएगी हमारी बहुत ही अच्छी काम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज के हमारे बहुत ही यूजफुल टिप्स है जो आपको आपके घर पे इतना मदद करेगा क्योंकि आप हैरान रह जाएंगे और आपकी बहुत कुछ बचने वाली है। देर ना करके चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं बहुत ही यूजफुल टिप्स। पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और शेयर करने से सभी लोग हेल्पफुल होते हैं। चैनल में नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और दबा के लाइक कीजिए। लाइक करने में कोई कंजूसी ना कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले टिप्स की तरफ। पहला टिप्स दोस्तों देखिए, एक ग्लास में मैं एक सफेद पानी ले आई, इसको मग में डाल रही हूँ। ये क्या है दोस्तों आप गेस कीजिए, मैं करने के बाद आपको बोलूंगी। तो ये पानी में मैंने थोड़े और एक मग पानी मिला ली, ये पूरा सफेद पानी है। तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पानी हम मग के पानी से मिला लेते हैं। तो देखिए इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद हम इसको डाल देंगे हमारी सबसे जरूरी चीज होती है मनी प्लांट, यानी कि घर की जो इंडोर पौधे होते हैं जो भी हम बालकनी वगैरह में लगाते हैं, घर पे लगाते हैं। मनी प्लांट बहुत ही अच्छे से ये अच्छा होता है, इतना हरा भरा रहता है। ये चावल की मांड होती है, चावल होना के होने के बाद इस पानी को हम फेंक देते हैं जो मांड बोलते हैं। इस मांड को आप पानी में ला के ये पौधे में दीजिए, पौधे इतने खिलखिलाते कोई खाद देने की जरूरत ही नहीं है। आशा करती हूँ टिप्स आपको पसंद आए और चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगला यूजफुल टिप्स मेरा यहाँ पे ये सेलो टेप की, जो इस तरह से बड़े बड़े सेलो टेप पूरा होते हैं, इसको हम कार्टून वगैरह लगाते हैं बड़े बड़े, ये कहते हैं वजन होते हैं और ये एक जगह आप रख दे तो ये इधर उधर खिसकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं रख रही हूँ दीवार के पास। रखने के बाद क्या करूंगी, मैं अपनी फोन को लेके यहाँ पे दीवार के पास रख रही हूँ। क्या होता है ना, हम कभी कभी किचन में काम करते हैं, कुछ करते हैं, फोन को ऐसे लटका देते हैं, फोन ना धीरे धीरे खिसक के नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे फोन को इसके ऊपर रख लीजिए, जितने भी आप फोन को स्क्रॉलिंग करेंगे कुछ भी करेंगे आपकी फोन नीचे नहीं गिरेगा, बिल्कुल एक जगह पे टिक के रह जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगला यूजफुल टिप्स मेरा साबुन को लेकर टिकिया जो होती है, कपड़े धोने वाले साबुन की टिकिया होती है। तो यहाँ पे कपड़े धोने वाले साबुन की टिकिया एक ले आई, 10 रुपए की टिकिया, ज्यादा पैसे की नहीं है। तो आपको इस 10 रुपए टिकिए से इतनी हेल्प मिल जाएगी, इतनी मदद मिल जाएगी। तो यहाँ पे टिकिया लेके मैं यहाँ पे एक ग्रेटर ले आई, ठीक है। इस ग्रेटर को क्या करती हूँ, ग्रेटर के ऊपर टिकिया को अच्छे से घिसती हूँ। मुझे 2 से 3 चम्मच पिसी हुई साबुन चाहिए, तो यहाँ पे साबुन को इस तरह से घिस रही हूँ। ये 10 रुपए की साबुन है, आप इसको कम से कम 4 से 5 बार नहीं तो 8 से 10 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 10 रुपए की साबुन से 10 बार की इस्तेमाल है ना दोस्तों, बहुत ही फायदे वाला यूजफुल टिप्स। तो यहाँ पे 2 चम्मच करीब करीब मुझे ये पाउडर जैसे मिल गया। तो इसको मैं क्या करूंगी, एक कटोरी ले आती हूँ और कटोरी में इस पाउडर को डाल देती हूँ। तो देखिए दोस्तों एक बार इसको करेंगे तो आपकी कम से कम 3-4 दिन हो ही जाएगी, नहीं तो 5 दिन हो ही जाएगी। इसमें ना मैं नमक 1 चम्मच इसमें डाल देती हूँ और यहाँ पे पानी डाल देती हूँ। इसको अच्छे से मैं फेंट लेती हूँ और अच्छे से फेंटने के बाद बहुत अच्छा वाला सोल्यूशन है, यानी कि मिक्सचर हमारा बन गया। पानी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, जितनी चम्मच साबुन की पाउडर होती है। तो इसको अच्छे से फेंटने के बाद आप इसको बहुत जगह पे काम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बॉटल यहाँ पे ले आती हूँ और इस तरह से बॉटल हमेशा घर पे पड़े रहते। इस बॉटल से मैं क्या करूंगी, इस पानी को बॉटल के अंदर डाल देती हूँ। देखिए दोस्तों आप इसको सबसे जरूरी जगह जो होती है ना उस पे इस्तेमाल कर सकते। तो इस साबुन वाले पानी को हम बॉटल में डाल के स्टोर कर लेते हैं। मैंने बोला ना एक बार आप करेंगे हफ्ते तक चल जाएगी, 4-5 दिन चल जाएगी, अपने हिसाब से जितने ज्यादा लेंगे उतने ज्यादा दिन आपको चल जाएगा। इस पानी को आप क्या कीजिए, बॉटल में डाल के रख लीजिए। इसमें नमक मैंने डाला है, नमक की जगह आप सोडा भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। बॉटल के ढक्कन में हम इसको छेद कर लेते हैं, छोटे छोटे 3-4 छेद कर लेंगे और बॉटल को ढक्कन लगा देंगे। आप इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इस बॉटल की पानी भर लीजिए, भरने के बाद आप अपने हिसाब से इसको बर्तन साफ कर सकते हैं, टॉयलेट में डाल सकते हैं, घर की पोछा लगा सकते हैं, कपड़े साफ कर सकते हैं। कपड़े साफ करेंगे तो नमक नहीं डालेंगे, सोडा डालेंगे। इस तरह से देखिए एक बॉटल पानी से कितने काम हो गए हमारे, 4-5 काम हो गए। सबसे जरूरी जगह होती है हमारे टॉयलेट, टॉयलेट के ऊपर आप डाल दीजिए। टॉयलेट क्लीन करने के बाद आप इसको डाल दीजिए, टॉयलेट जाने के बाद इस पानी को फ्लश में डालिए, इस टॉयलेट शीट में डालिए, बिल्कुल सफेद
शीघ्र होती है टॉयलेट सीट हमारी, और यहाँ पे साफ भी हो जाएगी, अच्छी वाली धीमी धीमी खुशबू आएगी, बर्तन की साफ हो गई, चिकनाई हट जाती है, कपड़े वगैरह साफ कर सकते। 10 रुपए की टिकिए से और कितना चाहिए आप लोगों को दोस्तों, इतना होता है कि आप थक जाओगे, इसको इस्तेमाल करते करते साबुन नहीं खत्म होगा। तो चलिए अगले यूजफुल टिप्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला टिप्स मेरा कपड़े को लेकर है दोस्तों। धीरे धीरे बारिश शुरू हो रहा है, मतलब धीरे धीरे एक एक दिन बारिश हो रही है, तो इससे क्या होता है कि एक एक दिन बारिश से क्या होती है ना, कपड़े सूखते नहीं, तो बच्चों की स्कूल होती है अगले दिन। हम क्या करेंगे, इससे क्या होगा कि कपड़े जैसे अजीब सी बदबू आती है कपड़े में से, आधा सूखा आधा गीला होके। हम क्या करेंगे, कपड़े को अगर बच्चों के नेक्स्ट डे स्कूल है, बच्चे के कपड़े सूखा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई भी टैल्कम पाउडर हो इसको आप डाल दीजिए। डालने के बाद हाथ से थोड़ा अच्छे से इसको रगड़ लीजिए। इससे क्या होगा कि टैल्कम पाउडर जो पानी सोख कर लेता है और अच्छी वाली खुशबू दे देती है। और इसके बाद एक न्यूज़पेपर डाल के आप इसके ऊपर आयरन लगा सकते हैं, यानी कि प्रेस लगा सकते हैं। थोड़ी गर्म हो जाए तो सूख जाएगी। सबसे जरूरी होता है अगले दिन हमारी घर की कपड़े है तो हम कुछ भी पहन लेते हैं, लेकिन बच्चों के स्कूल का कपड़ा होता है तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट डे बच्चे स्कूल जा नहीं पाते हैं और कपड़ा गीला होके पड़ा रहता है। छोटा सा टिप्स है लेकिन सारे माओ को ये टिप्स पसंद आएगी, क्योंकि बच्चों की सवाल है और स्कूल की सवाल है, एक दिन स्कूल मिस करना नहीं चाहिए। तो आप इस तरह से कपड़े को, बच्चों के कपड़े को इस तरह से थोड़ा पाउडर लगा के, प्रेस लगा के इस तरह से सुखा सकते हैं। ऐसे क्यों हो गया, बच्चे आराम से खुशी खुशी पहन लेंगे और स्कूल चले जाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा टिप्स है लेकिन आई होप सब लोग को हेल्प करे। तो बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। देखिए कपड़े है सफेद कलर रंग की साठ होती है, ये कुछ भी होती है सफेद होती है, सिर्फ सफेद। बच्चों के स्कूल के कपड़े हो, बड़ों के कपड़े हो, ऑफिस वाले जो शर्ट पहनते हैं हस्बैंड वगैरह उनकी शर्ट हो, सफेद रंग की कुछ भी हो कपड़ा हो, तो देखिए सफेद रंग ऐसा होता है कि ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो मेंटेन, आप सफेद कपड़ा पहन के चले गए, आने के बाद उसकी धज्जियां उड़ जाती है, कैसे होती है ना, कुछ भी इसके ऊपर गिर जाती है तो बहुत ही गंदा लगता है, और सफेद कपड़े के ऊपर कुछ दाग धब्बे वगैरह हो जाते हैं तो बिल्कुल हटता भी नहीं है। तो देखिए मेरी बच्चे की स्कूल की ड्रेस है तो वो कैसे करके आती है, स्कूल से आने के बाद कपड़ों की धज्जियां उड़ा देती है, इतने दाग धब्बे रहते हैं, इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसको आज हम कैसे निकालेंगे ये आपको मैं बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ। आपको कुछ भी तामझाम करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिस जगह पे दाग और धब्बे है उसी जगह को लीजिए कपड़े को, और इसको कहिए आपके घर पे जो आलू होती है जो खाने में हम इस्तेमाल करते हैं, कच्चे वाले एक आलू लीजिए और आलू दो भाग में काट लीजिए और इसको अच्छे से छेद कर लीजिए। छेद करने के बाद हम इस तरह से चाकू से जुड़ा छेद कर लेंगे तो इसका पानी बाहर निकल आएगा। एक आलू से इतनी आपकी सबसे अच्छी पहले बहुत ही जरूरी काम बन जाती है। तो आलू को मैंने इस तरह से छेद कर लिया, और इसके बाद एक मैं पाउडर ले आती हूँ, ये है कोलगेट पाउडर। आजकल ये मिलता नहीं लेकिन बहुत ही कम मिलता है, पहले जमाने में बहुत मिलती थी। अगर ये नहीं है तो कोलगेट टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये दो ही चीज आपकी काम, बहुत ही मुश्किल काम, भीड़ काम आपको ये बहुत ही आसानी से कर देगी। इसके ऊपर आप कोलगेट पाउडर डाल दीजिए, आलू लीजिए, आलू को अच्छे से रब कीजिए, ठीक है, धीरे 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 करके 5-7 मिनट आप रब कीजिए। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम शहर कमेंट में बताइए, ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हैं और किस किस जगह पे आप लोग हेल्प हो रहे हैं। आप अपने कीमती समय देकर मेरे वीडियो को देखते हैं, सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। कृपा करके इसको शेयर कीजिए, शेयर करने से सारी माओं के पास, सारे गृहिणी के पास, सब लोग के पास पहुँच जाते हैं, तो छोटे छोटे काम उनकी बहुत ही आसान हो जाती है और बहुत ही हेल्प मिल जाती है। इधर उधर भागने दौड़ने की कोई जरूरत भी नहीं होती है। इस बीच में मैंने घिस के मेरे सारे दाग धब्बे को मैंने हटा दिया। देखिए कोलगेट पाउडर नहीं है तो कोलगेट टूथपेस्ट आप ले सकते हैं, धीरे धीरे करके आप रब कीजिए, रब कर देखिए धीरे धीरे इसकी दाग धब्बे भी निकल जाएंगे। तो यहाँ पे कटोरी में पानी लेती हूँ, और पानी लेने के बाद देखिए इसको हम ऐसे ही हाथ में थोड़े रगड़ देंगे तो ये साफ हो जाएगी। तो देखिए मैं आपके सामने ही कर रही हूँ, देखिए मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितना रंग था और यहाँ पे उतर चुका है। बच्चे स्कूल से आने के बाद जिस दिन उनके कपड़ों में सफेद कल यूनिफॉर्म होती है तो उनकी दाग धब्बे बहुत ही लग जाती है, धज्जियां उड़ जाती है। और इसको इसके ऊपर कोलगेट पाउडर लगाने के बाद कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मान नहीं रहा है तो आप थोड़े से शैम्पू डाल सकते हैं, लेकिन डिटर्जेंट और सर्फ वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे आपकी
ऑफिस की सड़क को भी आप लोग साफ कर सकते हैं, अगर कोई दाग धब्बे ऑफिस पे लग जाती है, हस्बैंड वगैरह जेंट्स वगैरह जाते हैं काम करने के लिए, तो इस तरह से सफेद रंग को आप पूरा दाग मिटा सकते हैं। तो देखिए मेरे सफेद रंग की कपड़ा कैसे सफेद हो गया, फिर से दाग धब्बे बिल्कुल नहीं है। आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोग को पसंद आए, कुछ ना कुछ तो टिप्स आपको पसंद आएगी। आप लोग एक बार घर पे ट्राई कीजिए, फिर आपको फायदा बिल्कुल पता चल जाएगा और इसका क्या हेल्प होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले यूजफुल रेमेडी में, यूजफुल टिप्स में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय।